देश में फिर से कोरोना पांव पसार रहा है। कई राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। हालांकि हिमाचल में कोरोना के मामले काफ़ी कम सामने आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सहित अन्य जिलों में कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जिससे प्रदेश में भी दोबारा से कोरोना के मामले बढ़ने का डर सताने लगा है। शिमला में बाहरी राज्यों से इन दिनों काफ़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और यहां पर कोरोना नियमों का पालन करते हुए ना तो पर्यटक और ना लोग नज़र आ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। रिज मैदान पर बिना मास्क के लोग घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अब जिला प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क हो गया है और नियमों का पालन करवाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है। शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि जिला में कोरोना के मामलों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और कुछ एक मामले ही सामने आ रहे हैं, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ऐसा है कि कोविड के केसेस जिले में बहुत कम है, आजकल केसेस काफ़ी कम संख्या में आ रहे हैं, बट उसी के साथ लेकिन हमें जो सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें ये देखना है कि कोविड का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन हमें करवाना है और लोगों को जो है मास्क का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करवाना है और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसका भी हमें पालन करवाना है। तो डेफिनेटली इसमें जो है पुलिस और सभी लोगों के साथ जो है एक चर्चा की जाएगी और उनको भी डायरेक्शन दिए जाएंगे कि वो ये इंश्योर करें कि जो लोग पब्लिक प्लेसेस में घूमते हैं वो मास्क वगैरह लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए वहाँ पर जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा हो रही हैं या जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये इस पर जो है जल्दी ही हम लोग कुछ डायरेक्शन इशू करेंगे ताकि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करवाया जा सके।